तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, पंपिंग लेमा है, ठीक है। अब इस पंपिंग लेमा का मतलब क्या है, क्या है यहाँ लिखा, निगेटिविटी टेस्ट। क्या है निगेटिविटी टेस्ट, इसका मतलब क्या है कि हम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, समझो एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। देखो क्या कहता है पंपिंग लेमा, क्या कहता है ये, मान लो पंपिंग लेमा है, ये क्या बोलता है कि अगर कोई लैंग्वेज इनपुट किया जाए, अगर कोई लैंग्वेज अगर इनपुट किया जाए, एक लैंग्वेज मान लो एल है, ठीक है, एक लैंग्वेज एल है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट कर रहे हैं, तो अगर ये पास हो गया, ठीक है, अगर ये पंपिंग लेमा को पास हो गया, ठीक है, पंपिंग लेमा क्या कंडीशन है अभी हम बताएंगे, ठीक है, क्या कंडीशन है हम बताएंगे अभी, ठीक है। अगर एक लैंग्वेज एल है, एक लैंग्वेज एल को हम पंपिंग लेमा में इनपुट करते हैं, पंपिंग लेमा में अगर इनपुट करते हैं एक लैंग्वेज एल को, अगर ये पास हो गया तो वो लैंग्वेज एल है क्या हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है और नॉन रेगुलर भी हो सकता है, नॉन रेगुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप बोलो क्या ये क्या बात हुआ, कोई लेमा है, इसे हम चेक करने वाले थे रेगुलर है या नहीं है, हम बोल रहे हैं कि लैंग्वेज को इनपुट किए, अगर पंपिंग लेमा की कंडीशन को पास कर जाए तो रेगुलर भी हो सकता है, नॉन रेगुलर भी हो सकता है। हाँ सही सुन रहे हो, यही बात है पंपिंग लेमा में, इसलिए इसका नाम है निगेटिविटी टेस्ट। इसका मतलब निगेटिविटी टेस्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई लैंग्वेज पंपिंग लेमा को फेल कर जाए, पंपिंग लेमा के कंडीशंस को फेल कर जाए, तब क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे क्या वो लैंग्वेज क्या है, नॉन रेगुलर है, तब हम बोलेंगे नॉन रेगुलर है। अगर पास कर गया कुछ भी हो सकता है, हम लोग कुछ मिला ही नहीं, ये तो पहले भी हम लैंग्वेज को जान रहे थे, या तो रेगुलर होगा या तो नॉन रेगुलर होगा, सिंपल, कोई लैंग्वेज एल गिवन है उसका क्या चांस है, या तो रेगुलर रहेगा या तो नॉन रेगुलर रहेगा, यही हो सकता है ना, या तो रेगुलर रहे या तो नॉन रेगुलर रहे, रेगुलर रहेगा तो रेगुलर के सेट में आ गया, नॉन रेगुलर रेगुलर के बाहर चला गया, रेगुलर के बाहर नॉन रेगुलर कुछ भी रहे, CFL रहे, CSL रहे, RE रहे, REC रहे, कुछ भी रहे, क्या फर्क पड़ता है, रेगुलर रहे या तो नहीं रेगुलर हो, दो ही चीज हो सकता था। पंपिंग लेमा को पास करने के बाद भी या तो रेगुलर होगा या तो नॉन रेगुलर होगा, पास कर जा कोई दिक्कत नहीं है, फिर अगर पास कर गया इससे कोई फायदा हम लोग को बेनिफिट नहीं है, यहां पर क्या लिख सकते हैं कि अगर पास कर जाए तो क्या है, नो बेनिफिट, नो बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं हुआ हम लोग को। अगर फेल कर जाए तब हम लोग को क्या पता चल सकता है कि नॉन रेगुलर है सियोर शॉट। अगर फेल कर जाए एक लैंग्वेज को इनपुट के पंपिंग लेमा में, अगर फेल करता है तब हम लोग को कुछ रिजल्ट मिलता है, फेल कर जाए तब हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को कुछ रिजल्ट मिलता है फेल करने पर। फेल करना मतलब क्या है, पास को पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं, फेल को निगेटिव मानकर चल रहे हैं, मतलब जब निगेटिव होता है तब कुछ हम लोग को आउटपुट मिल रहा है, तब रिजल्ट मिल रहा है कुछ, ठीक है, इसलिए इसको निगेटिविटी टेस्ट बोला जाता है। कि फेल करने पर, ऐसा कोई भी एल्गोरिथम नहीं देखे होगे अब तक कोई एल्गोरिथम नहीं देखे होगे, कोई भी एल्गोरिथम कैसा रहता है, अच्छा इस एल्गो को पास कर गया तो कुछ सर्टेन चीज हम बता सकते हैं, ठीक है, पास करने पर कुछ भी बता सकते हैं, फेल करने पर हम नहीं बता देते। यहां पर क्या है कि इस लेमा को, इसको फेल करता है तब हम लोग कुछ रिजल्ट बता सकते हैं, फेल करने पर रिजल्ट में आते हैं, पास करने पर कोई रिजल्ट नहीं है, नो बेनिफिट, कोई रिजल्ट ही नहीं है यहां पर, इसलिए इसका नाम है निगेटिविटी टेस्ट। एक बात और देखो, याद रखो, आराम से समझो, कुछ पॉइंट्स बताएंगे, बहुत शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन हर चीज समझ में आएगा, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे, ऐसे नहीं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन इसमें रह जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अगर एक रेगुलर लैंग्वेज है तो रेगुलर लैंग्वेज है जो ऑलवेज ऑलवेज
पास पंपिंग लेमा, ऑलवेज पास पंपिंग लेमा, या फिर हम लिख सकते हैं क्या, ऑलवेज ऑलवेज सेटिस्फाई पंपिंग लेमा। ठीक है, अगर लैंग्वेज रेगुलर है, अगर लैंग्वेज रेगुलर है, रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर अगर लैंग्वेज है तो हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा पंपिंग लेमा को, हमेशा ही 100% श्योर है। अगर कोई लैंग्वेज यहां पर नॉन रेगुलर है, नॉन रेगुलर है कोई लैंग्वेज है यहां पर, तब क्या हम बोल सकते हैं, समटाइम्स समटाइम्स सेटिस्फाई पंपिंग लेमा। अगर नॉन रेगुलर है तब भी कभी कभी क्या करेगा, पंपिंग लेमा को नॉन रेगुलर भी सेटिस्फाई कर जाएगा। इसके साथ साथ प्रॉब्लम यही है, पंपिंग लेमा के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसमें रेगुलर हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा, हमेशा ही पास होगा, कभी कभी नॉन रेगुलर भी पास हो जाएगा। इसलिए पास होने पर हम कोई सर्टेन रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं कि रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। क्यों? क्योंकि नॉन रेगुलर भी कभी कभी पास हो रहा है, रेगुलर हमेशा पास हो रहा है, सही बात है, लेकिन नॉन रेगुलर भी कभी कभी पास हो रहा है। इससे क्या रिजल्ट हम बोल सकते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज ऑलवेज सेटिस्फाई है ना। अगर कोई लैंग्वेज हम इनपुट किए और फेल कर गया, सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब क्या है, नॉन रेगुलर आ गया, यही है ना, नहीं सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया, नॉन रेगुलर आ गया। क्योंकि तो हम क्या बोल रहे हैं कि रेगुलर है तो हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा। यहां पर हम इनपुट किए लैंग्वेज, सेटिस्फाई नहीं किया, फेल कर गया, फेल कर गया, मतलब क्या है कि रेगुलर नहीं था। क्योंकि तो हम तो यहां पहले कंडीशन बोल चुके हैं कि रेगुलर रहेगा तो हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा, कभी कभी नॉन रेगुलर भी सेटिस्फाई कर जाता है। तो सेटिस्फाई करने में क्या है, अनसर्टेनिटी है, कंफर्म चीज हम नहीं बता सकते हैं कि रेगुलर है या नॉन रेगुलर है, क्योंकि रेगुलर भी सेटिस्फाई पास करेगा और नॉन रेगुलर भी पास करेगा। लेकिन अगर फेल कर जाए तो हम 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो नॉन रेगुलर है। अब एक चीज देखो और एक कंडीशन देखो, कुछ हम बता रहे हैं, एकदम ध्यान से समझो इसको, कि एक लैंग्वेज है, क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या हो सकता है इसमें, या तो फाइनाइट रहे या फिर इनफाइनाइट रहे, या तो फाइनाइट रहे या तो इनफाइनाइट रहे, यही हो सकता है। फाइनाइट मतलब क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स रहेगा उसमें, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स रहेगा, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को ही तो लैंग्वेज हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर लैंग्वेज फाइनाइट रहे तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या रिजल्ट मिलेगा हम लोग को, अगर लैंग्वेज फाइनाइट है तो क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट हमेशा ही रेगुलर होता है, फाइनाइट हमेशा ही रेगुलर होगा। प्रॉब्लम कहां पर आता है, इनफाइनाइट में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इनफाइनाइट है जो कभी कुछ इनफाइनाइट लैंग्वेज है जो रेगुलर भी होगा और कुछ क्या है, नॉन रेगुलर भी होगा, नॉन रेगुलर भी होगा। प्रॉब्लम कहां आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए। फाइनाइट अगर लैंग्वेज है, लैंग्वेज दो ही हो सकता है, दो टाइप का ही, या तो फाइनाइट रहे या तो इनफाइनाइट रहे। अगर फाइनाइट है तब तो रेगुलर है, तब कोई दिक्कत ही नहीं है, तब कोई टेस्ट करने का जरूरत ही नहीं है पंपिंग लेमा का। अगर फाइनाइट है तो पंपिंग लेमा का कुछ भी जरूरत नहीं है, फाइनाइट है डायरेक्टली हम बोल सकते हैं क्या, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि रेगुलर है। क्यों? क्योंकि फाइनाइट है मतलब फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स रहा होगा, और फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स के लिए हम DFA ड्रॉ कर सकते हैं या NFA ड्रॉ कर सकते हैं, मशीन हम ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है उसके लिए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट से हम लोग मशीन ड्रॉ कर लेंगे। जब हम DFA NFA ड्रॉ कर सकते हैं मतलब क्या है कि लैंग्वेज रेगुलर हो गया। तो फाइनाइट जब लैंग्वेज रहे तब कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कहां आता है,
इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए दिक्कत आता है, क्या इनफाइनाइट है जो रेगुलर भी कभी होगा और कभी नॉन रेगुलर भी होगा। तो इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए ये पंपिंग लेमा यूज करेंगे, फाइनाइट है तो क्यों यूज करेंगे। फाइनाइट है तो हम 100% श्योरली बोल रहे हैं कि रेगुलर है ही, क्योंकि फाइनाइट है मतलब फाइनाइट सेट ऑफ हेस्टिंग्स इसमें रहा होगा। अब फाइनाइट सेट ऑफ हेस्टिंग्स को मशीन के फॉर्म में हम ड्रा कर सकते हैं, फाइनाइट सेट ऑफ हेस्टिंग्स अगर कोई लैंग्वेज में है उसके लिए एक हम मशीन ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होगा मशीन में, ठीक है। इसके लिए हम इरेगुलर क्यों है, इरेगुलर क्यों है क्योंकि यहां पर या तो डीएफए हम ड्रॉ कर सकते हैं, डीएफए एनएफए कुछ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और डीएफए एनएफए जब हम ड्रॉ कर सकते हैं तो क्या हो गया, लैंग्वेज इरेगुलर हो गया, ठीक है। लैंग्वेज क्या बन गया, लैंग्वेज इरेगुलर बन गया। तो फाइनाइट के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं, प्रॉब्लम क्या है, इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए प्रॉब्लम है कि रेगुलर रहे या फिर नॉन रेगुलर रहे। तो इनफाइनाइट लैंग्वेज को चेक करेंगे पंपिंग लेमा से, इनफाइनाइट लैंग्वेज को यहां जो इनपुट करेंगे कैसा इनपुट है, इनफाइनाइट लैंग्वेज एल मेरा जो इनपुट होगा पंपिंग लेमा में, इनफाइनाइट लैंग्वेज को करेंगे इनपुट। मेनली पंपिंग लेमा इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए ही है, फाइनाइट के डायरेक्टली हम बोल सकते हैं रेगुलर है, हम क्यों लेमा ये सब देखने जाए इसका, ठीक है। इनफाइनाइट के लिए हम यूज करेंगे, अगर इनफाइनाइट है पास कर गया तो रेगुलर भी हो सकता है नॉन रेगुलर भी हो सकता है, लेकिन फेल कर गया तो नॉन रेगुलर होगा। तो हम लोग का पर्पस क्या है, पास करने का पर्पस है या फिर फेल करने का पर्पस है, जहां से रिजल्ट मिला है वही काम करेंगे। रिजल्ट कहां से मिल सकता है, पास करेंगे कोई रिजल्ट नहीं मिला, फेल करेंगे रिजल्ट मिल सकता है हम लोग को, फेल करेंगे रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो फेल करने का मतलब क्या है, पंपिंग लेमा का स्टेटमेंट देखो क्या बोलता है, पंपिंग लेमा क्या बोलता है कि मान लो कोई लैंग्वेज है, कोई लैंग्वेज है, ठीक है, मान लो कोई लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज अगर लेते हैं, एक लैंग्वेज अगर लेते हैं ए पावर एन बी पावर एन, ए पावर एन बी पावर एन, इसमें हम क्या ले लेते हैं, एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन मान लो ले लिए, ठीक है। एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन ले लिए, वन से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक लैंग्वेज हम ले रहे हैं ए पावर एन बी पावर एन, ठीक है। अब इस लैंग्वेज के लिए, इस लैंग्वेज का स्ट्रिंग अगर बनाते हैं, अगर n का वैल्यू, n का वैल्यू हम 3 रखें, ठीक है, n का वैल्यू हम 3 रखें, तो एक स्ट्रिंग हम बनाते हैं तो कैसा बनेगा भाई, n का वैल्यू 3 जब रखेंगे, 1 से ग्रेटर कोई भी n ले सकते हैं वैल्यू, हम n का वैल्यू मान लो हम 3 लेकर चले हैं, ठीक है, n का वैल्यू 3 यहां पुट करो, क्या बनेगा, a पावर 3 b पावर 3, मतलब a है जो 3 टाइम्स आएगा, b है जो 3 टाइम्स आएगा, ठीक है, ए है जो 3 टाइम्स आया, बी है जो 3 टाइम्स आया। अब पंपिंग लेमा क्या बोलता है, पंपिंग लेमा क्या बोलता है कि जो पार्टिकुलर स्ट्रिंग है लैंग्वेज का, इस लैंग्वेज का जो पार्टिकुलर स्ट्रिंग है उसको डिवाइड करो, किस तरीके से डिवाइड करो, उसको डिवाइड करो एक्स वाई जेड, इस फॉर्मेट में डिवाइड करो, इसको डिकम्पोज करो, किस फॉर्मेट में, एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में इसी स्ट्रिंग को लिखो। जैसे क्या, मान लो हम क्या किए कि यहां से यहां तक को एक्स ले लिए, यहां से या मतलब इस अल्फाबेट को एक्स ले लिए, एक से ज्यादा भी हम एक्स ले सकते हैं, कितना भी एक्स ले लो, ठीक है। मान लो हम क्या किए, यहां से यहां तक को वाई ले लिए, हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग है, इस लैंग्वेज का एक स्ट्रिंग है, इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में, क्या है, इसमें से कुछ अल्फाबेट को हम लोग, कुछ अल्फाबेट को एक्स मान लेते हैं, कुछ को वाई मान लेते हैं और कुछ को जेड मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रहना है, क्या इसके साथ में डिकम्पोज तो करना है, एक कंडीशन क्या याद रखना है कि वाई का लेंथ जो है, y का लेंथ है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेंथ ऑफ y है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब क्या, y है जो नल नहीं होना चाहिए, नल नहीं ले सकते हैं, नल क्या है, जीरो लेंथ का स्ट्रिंग होता है, नल क्या है, जीरो लेंथ स्ट्रिंग होता है ना,
नल का लेंथ जीरो होता है, तो वाई है जो नल नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज है उसके स्ट्रिंग को डिकम्पोज करना है कैसे, पंपिंग लेमा का स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है समझो, एकदम अच्छे समझो, आराम से समझ लो क्या है कि जो स्ट्रिंग है किसी लैंग्वेज का स्ट्रिंग है जिस लैंग्वेज को हम चेक करना चाहते हैं, इस लैंग्वेज को मान लो हम चेक करना चाहते हैं रेगुलर है या नहीं है, ठीक है। इस लैंग्वेज को हम चेक करना चाहते हैं पंपिंग लेमा से कि रेगुलर है या नहीं है, अगर फेल कर जाएगा तो नॉन रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। हम फेल करना चाहते हैं, अब देखो क्या हम बोले कि इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। क्या स्ट्रिंग लिया भाई, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो n का वैल्यू मान लो हम 3 ले लिए, 3 ले लिए, ठीक है। n का वैल्यू 3 लिए तो स्ट्रिंग कैसे बना, a 3 b 3, मतलब a 3 टाइम्स b 3 टाइम्स आ गया, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को डिकम्पोज करना है x y z के फॉर्मेट में, जिसमें क्या है y का लेंथ है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, y का लेंथ है जो, y का लेंथ क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। एक्स वाई जेड में डिकम्पोज करो लेकिन वाई का लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, वाई का लेंथ या तो 1 रहे या 1 से ज्यादा रहे, जीरो लेंथ नहीं है, नल नहीं हो सकता है भाई, ठीक है। एक कंडीशन हम देख लिए, अब इसके अकॉर्डिंग हम डिकम्पोज किए हैं। अब लेमा क्या बोलता है कि अगर हम लोग एक्स वाई पावर आई जेड करेंगे, इससे जो स्ट्रिंग बनेगा जो बिलोंग करना चाहिए मेरा लैंग्वेज से, जो लैंग्वेज था मेरा, जो लैंग्वेज मेरा था उससे बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, वाई पावर आई है, वाई पावर आई है मतलब क्या है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लो करते हैं, ठीक है। आई को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई का कंडीशन क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, ये कि लैंग्वेज लिए पहले हम लोग, इसका कोई पार्टिकुलर स्ट्रिंग को ले लिए हैं, कोई स्ट्रिंग को ले लिए, इसको हम डिकम्पोज किया किस फॉर्मेट में, एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में हम डिकम्पोज किए हैं, जिसमें वाई का लेंथ है जो मिनिमम 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा लेंथ हो सकता है, ठीक है। एक्स इतना ले लिए, वाई का देखो लेंथ यहाँ 3 लेंथ लिए है, अलाउड है यहाँ पर 3 लेंथ, और जेड यहां पर एक्स और जेड में कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, एक्स और जेड में कोई कंडीशन नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि एक्स वाई पावर आई, मतलब अगर वाई को हम रिपीट करते हैं, आई का ग्रेटर, आई क्या, आई का वैल्यू क्या हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि मान लो आई इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं, आई इक्वल टू 2 हम ले सकते हैं क्योंकि आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आई का वैल्यू 2 हम ले सकते हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं एक्स वाई पावर टू जेड, ये किसको बिलोंग करना चाहिए, ये लैंग्वेज को ही बिलोंग करना चाहिए, कौन से लैंग्वेज को, इस लैंग्वेज को बिलोंग करना चाहिए। आई का वैल्यू आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या, आई का वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, 2 3 कुछ भी ले लो, 2 3 1 2 3 कुछ भी ले लो, 0 भी ले सकते हैं हम, ठीक है। यही बोल रहा है क्या कि आई का वैल्यू मान लो हम लेते हैं आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं, तब जो इसे स्ट्रिंग बनेगा, इसे क्या है एक स्ट्रिंग बनेगा, फिर से कैसा स्ट्रिंग बनेगा भाई, पहले एक्स को लिखो, एक्स क्या था ए ए था, एक्स क्या है ए ए, वाई पावर टू, वाई को 2 टाइम्स लिखना है, वाई क्या है ए बी बी, ठीक है। तो यहां पर वाई को मान लो हम लिखते हैं, वाई को क्या लिखेंगे ए बी बी, वाई का वैल्यू क्या है ए बी बी, ठीक है। वाई कितना बार लिखना है, वाई को 2 टाइम्स लिखना है, वाई पावर 2 है 2 टाइम्स, फिर से ए बी बी हम लिखे, ठीक है, वाई 2 टाइम्स लिखे, फिर उसके बाद जेड को लिखना है, जेड क्या है बी है, जेड क्या है मेरा, जेड मेरा बी है, क्या हुआ एक स्ट्रिंग बना है, एक स्ट्रिंग बना ना, एक्स एक्स वाई पावर आई जेड, इसे एक स्ट्रिंग मिला। अब क्या बोल रहा है पंपिंग लेमा कि इस फॉर्मेट से जो स्ट्रिंग बनेगा जो किसको बिलोंग करना चाहिए, लैंग्वेज को बिलोंग करना चाहिए, अगर लैंग्वेज को बिलोंग करता है तब ए पास हो गया पंपिंग लेमा, अगर नहीं बिलोंग करता है तो फेल हो गया। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा रिप्ले करो समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, इस फॉर्मेट से जो स्ट्रिंग बना है ये स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज को बिलोंग करना चाहिए, अगर बिलोंग करता है तो पास हो गया, यहां पर बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा, अगर फेल कर नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है, मतलब फेल हो गया, तब हम बता सकते हैं कि लैंग्वेज नॉन रेगुलर है।
अब देखते हैं कि ये जो स्ट्रिंग बना है जो लैंग्वेज में है या नहीं है। ठीक है, यहां पर देखो लैंग्वेज क्या है, ए पावर एन बी पावर एन, ए के बाद में बी है, बी के बाद में ए आ सकता है क्या? बी के बाद में ए नहीं आ सकता, कभी नहीं पॉसिबल है। यहां देखो इस स्ट्रिंग में ए के बाद में बी आया है, इस बी के बाद में ए आया है, मतलब क्या है, ए लैंग्वेज है, जो ए जो लैंग्वेज है मेरा लैंग्वेज से, ये जो स्ट्रिंग है मेरा लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा है, ये जो स्ट्रिंग है मेरा लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब क्या है, पंपिंग लेमा को फेल कर गया है। अगर पंपिंग लेमा को फेल किया मतलब कि ए लैंग्वेज क्या है, ए लैंग्वेज क्या बन गया, ए लैंग्वेज बन गया नॉन रेगुलर, नॉन रेगुलर मिल गया हम लोग को, समझ रहे हो बात को। हम क्या बोले, हम सबसे पहले एक लैंग्वेज लिए हैं, उस लैंग्वेज का कोई पार्टिकुलर स्ट्रिंग हम ले लिए, उस स्ट्रिंग को डिकम्पोज किया किस फॉर्मेट में भाई, एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में, जिसमें वाई, अच्छा इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना, ऐसा नहीं कि अच्छा एक्स वाई जेड है तो जेड को पहले ले आओ वाई को लास्ट कर दो, ऐसा नहीं करना है, सिक्वेंस यही होना चाहिए, एक्स वाई जेड का सिक्वेंस यही रहना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई जेड का सिक्वेंस यही रहेगा, वाई का लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, y है जो नल नहीं हो सकता है, जीरो लेंथ नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में x y पावर i z से एक स्ट्रिंग हम बनाते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं, i का वैल्यू क्या ले सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो, कुछ भी ले लो i का वैल्यू। ठीक है, तो उस i का वैल्यू x y पावर i z लिए, i का वैल्यू मान लो 2 लिए, 2 लिए तो क्या बन गया, x y पावर 2 z, इस फॉर्मेट का जो स्ट्रिंग होगा, इस फॉर्मेट का जो स्ट्रिंग होगा किसको बिलोंग करना चाहिए, इस लैंग्वेज को बिलोंग करना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट का स्ट्रिंग इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा है मतलब क्या है, नॉन रेगुलर है। तो किस तरीके से स्ट्रिंग को डिकम्पोज करना है इसको ध्यान रखना कि एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में करना है लेकिन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहे, वाई नल नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद में ये जो वाई पावर आई है, ये जो y पावर i यहां पर लिखे हैं, y पावर i है, इसके चलते ही इसका नाम है पंपिंग। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम पंप कर रहे हैं, मतलब क्या है, y को मल्टीपल टाइम्स हम लिख रहे हैं, बार बार हम पंप कर रहे हैं। जैसे क्या, मान लो एक स्टेट है, यहां से हम x लेकर एक स्टेट में आए और z लेकर एक और स्टेट फाइनल में चले गए, क्योंकि अभी तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड है। ठीक है, यहां पर क्या है, वाई आ गया, यहां पर वाई आ गया, क्यों, वाई है जो जीरो टाइम्स रहेगा तो डायरेक्टली चले जाएंगे, 1 टाइम आ सकता है, 2 टाइम आ सकता है, 3 टाइम आ सकता है, जितना पॉसिबल आई का वैल्यू है, आई का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बहुत सारा वैल्यू के लिए वाई हम ले सकते हैं, फिर भी क्या होना चाहिए, फाइनल स्टेट को रीच कर जाना चाहिए, कितना बार भी वाई को हम रिपीट करें तो। अगर फाइनल स्टेट को रीच कर रहा है स्टार्टिंग से, तब बोलेंगे क्या, लैंग्वेज पास कर रहा है पंपिंग लेमा, मतलब कि रेगुलर भी हो सकता है नॉन रेगुलर भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं रीच कर रहा फाइनल स्टेट को, मतलब क्या है, वाई को जब पंप किए हैं, रिपीट किए हैं वाई को, वाई को जब यहाँ वाई पावर आई रिपीट किए हैं, उससे जो स्ट्रिंग बना है मेरे लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए मशीन है जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मशीन नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब क्या है, पंपिंग लेमा फेल हो गया, फेल हो गया मतलब कि नॉन रेगुलर हो गया, ए लैंग्वेज देखो नॉन रेगुलर हम प्रूफ कर दिए इससे। तो पंपिंग लेमा इसलिए नहीं यूज करते हैं कि कोई लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं बताएंगे, नहीं, पंपिंग लेमा निगेटिव वे में यूज करते हैं कि कोई लैंग्वेज अगर रेगुलर नहीं है तो पता चल जाए हम लोग को, अगर नहीं है तो पता चल जाए, जैसे क्या, अगर नॉन रेगुलर लैंग्वेज लेंगे तो फेल हो जाएगा, मतलब नहीं, कुछ नॉन रेगुलर भी पास होगा, कुछ नॉन रेगुलर भी पास होगा, लेकिन अगर कोई लैंग्वेज लिए हैं वो फेल हो रहा है मतलब कि 100% नॉन रेगुलर ही है, कोई लैंग्वेज लिए हैं फेल हो रहा है इसका मतलब क्या है, 100% क्या है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज हमेशा ही पास करेगा पंपिंग लेमा को। ठीक है, तो निगेटिव में ले रहे हैं, पंपिंग लेमा फेल हो गया मतलब क्या है, नॉन रेगुलर, क्योंकि रेगुलर होता तो पास होता,
क्योंकि रेगुलर हमेशा ही पास करता है, कभी कभी नॉन रेगुलर भी पास कर जाता है, ठीक है। इसलिए पंपिंग लेमा पास करने पर हम कुछ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अगर फेल करता है तो श्योर शॉट बोल लेते हैं क्या कि लैंग्वेज नॉन रेगुलर है, तभी फेल हुआ होगा, क्योंकि रेगुलर रहता तो पास करता है। क्या स्टेटमेंट है पंपिंग लेमा का? पंपिंग लेमा का यही स्टेटमेंट है, डिकम्पोज इन सच अ वे ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड वेयर एक्स वाई पावर आई एंड जेड बिलोंग्स टू एल, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। अगर हम डिकम्पोज करते हैं इस तरीके से किसी स्ट्रिंग को, किसी स्ट्रिंग को हम डिकम्पोज करते हैं, तो ये फॉर्मेट का स्ट्रिंग जो बनेगा हम लोग का, इस फॉर्मेट से जो स्ट्रिंग बनेगा वो इस लैंग्वेज को बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग कर रहा है तो पंपिंग लेमा पास हो गया, और अगर पास हो गया पंपिंग लेमा मतलब क्या है, रेगुलर भी हो सकता है नॉन रेगुलर भी हो सकता है, लेकिन फेल हो गया, फेल हो गया इसका मतलब क्या है कि हमेशा ही नॉन रेगुलर है, ठीक है। तो ये हम लोग पंपिंग लेमा देख लिए, यही है, इसमें कुछ नहीं है, जो बेसिक तरीके से बताया है इसको याद रखना, ऐसा नहीं करना पूछो ना कि अच्छा पंपिंग मतलब कहीं देगा क्या कि पंप करेंगे एक्स्ट्रा वाई, तो एक्स्ट्रा वाई पंप करने पर एक्सेप्ट होना चाहिए, इसका मतलब यही है कि वाई को बार बार जब हम रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, एक लूप के फॉर्मेट में एक तरह से है, ठीक है, रिपीट होकर एट लास्ट हम लोग को फाइनल स्टेट में पहुंचना चाहिए। जब फाइनल स्टेट में पहुंच रहा है इसका मतलब क्या है कि पार्टिकुलर स्ट्रिंग है जो एक्सेप्टेड है। अगर स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है मशीन में मतलब क्या है, स्ट्रिंग बिलोंग्स टू लैंग्वेज, यही चाहिए था पंपिंग लेमा में। अगर नहीं बिलोंग कर रहा है मतलब नॉन रेगुलर हम बोल लेंगे, ठीक है। पंपिंग लेमा इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं।